सिंध तारीखी मकामात से माला माल है, जो इस धरती की कदीम तहजीब के गवाह है। सिंध में काफ़ी ऐसे तारीखी मकामात और किले हैं जिन्हें देख के इंसान हैरत में पड़ जाता है और उनको तामीर करने वाले दिमागों को खिराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। रानीकोट का किला भी ऐसे ही तारीखी मकामात में से एक है। रानीकोट जामशोरो ज़िले के सन शहर से 28 किलोमीटर के फासले पर है। जब हम सन शहर से रानीकोट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले किले का मेन गेट सन गेट आता है, जिसके दोनों अतराफ में दो बड़े मोर्चे बने हुए हैं। सन गेट से अंदर जाते हुए रास्ते में चौकीदारों के लिए दो कोठियां बनी हुई हैं। सन गेट के जनूब से रानीकोट की दीवार पहाड़ पर ऊपर चढ़ती जा रही है। इस दीवार में चार गोल ब्रिज हैं जिनको मोर्चा भी कहा जाता है। सन गेट से थोड़ा आगे एक गुंबद का शक्ल का कमरा है जिसको बारूद खाना कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये महात्मा गौतम बुद्ध की इबादत का है। रानीकोट का किला 32.5 किलोमीटर की एराजी में पहाड़ों में दीवार की शक्ल में बना हुआ है। रानीकोट किले के अंदर तीन छोटे किले भी हैं, मीरीकोट, शेरगढ़ और मोहनकोट। रानीकोट आने वाले तमाम टूरिस्ट मीरीकोट की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा किला है और यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों में रोड भी बना हुआ है जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड नज़र आता है जो कि मुतबादल रास्ते का है। ये मुतबादल रास्ता एक नहर से गुजरता है जिसका नाम नई रूनी है। रानीकोट का नाम भी इसी नहर से बना है। ये मुतबादल रास्ता एक पुल की नामुकम्मल होने की वजह से बनाया गया है। इस पुल के बनने से मीरीकोट का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। मीरीकोट रानीकोट के बिल्कुल बीच में है, जहाँ से चारों तरफ पहाड़ पर बनी हुई रानीकोट की दीवार को देखा जा सकता है। मीरीकोट एक छोटी टकरी पे कायम है जिसको तीन अतराफ से किले पे ऊपर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ मेन गेट से ही अंदर जा सकते हैं। इस किले की बनावट से मालूम होता है कि ये शाही रहायश के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी दीवारों पे जो फन पारों की जानिब से काम हुआ हुआ है उससे मालूम होता है यहाँ किसी बादशाह या उस वक्त के हुक्मरान की रहायश थी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक फौजी छावनी थी। मीरीकोट के अतराफ की दीवार की लंबाई 1434 फुट है। मीरीकोट को 5 मोर्चे हैं। जिसमें सबसे बड़ा मोर्चा मेन गेट वाला मोर्चा है, जहाँ से अंदर दाखिल हुआ जाता है। मीरीकोट में दाखिल होते हुए एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसके मगरिब में एक कुआं है जो कि खाली है। कहा जाता है कि ये कुआं उस वक्त में पीने के पानी के लिए खोदा गया था। मीरीकोट में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया है जो कि लंबा और चौड़ा बनाया गया है। मीरीकोट की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं और इन दीवारों में ड्रिल किए गए सुराख भी हैं जो कि उस ज़माने में तीरंदाजी और दुश्मनों पर निगाह रखने के लिए बनाए गए थे, जिससे लगता है कि मीरीकोट दिफा के लिए बनाया गया। मीरीकोट के चारों मोर्चों से नीचे देखते हैं तो एक हसीन वादी नज़र आती है जिसके छोटे हिस्से में खेतीबाड़ी भी की जाती है। इस किले में पुरानी तामीरात के अलावा एक 2 कमरों का गेस्ट हाउस भी है जो कि रानीकोट घूमने आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। पूरे रानीकोट किले में ये वाहिद जगह है जहां टूरिस्ट रात को भी स्टे कर सकते हैं। इस किले से हर तरफ रानीकोट की दीवार देखी जा सकती है और बहुत ऊपर पहाड़ पर बनाए गए शेरगढ़ किले को भी देखा जा सकता है। शेरगढ़ किले पे पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। ये 1800 फुट ऊपर पहाड़ पे बनाया गया है। ये किला मुकम्मल तौर पर फौजी नौयत में बनाया गया है। ये किला समंदर की सतह से 1480 फुट ऊपर है
इस किले से रनीकोट के अंदर पूरी वादी में नज़र दौड़ाई जा सकती है। शेरगढ़ पे जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मकामी लोगों की मदद से वहाँ पहुँचा जा सकता है। मिरीकोट से शेरगढ़ का रास्ता तकरीबन 3 घंटे का है और ये पूरा रास्ता पहाड़ों पे है। पहाड़ों पे चढ़ के इस पे पहुँचा जा सकता है। रनी जो नहर रनीकोट के अंदर बहती है, उसमें पूरा साल पानी आता है, जिसकी वजह से यहाँ के लिए खेती बाड़ी कर सकते हैं। इस नहर का पानी शफाफ और हाजमेदार है। इस नहर का पानी मोहन गेट के पास पहाड़ों से निकलता है। यहाँ पे खूबसूरत चश्मा है, जिसे परियों जो तड़ या परियों के नहाने की जगह कहा जाता है। मकामी लोगों का मानना है कि आज भी परियां इस तालाब में नहाती हैं। इस जगह पे चश्मे का पानी आबशार की सूरत में बहता है और 3 छोटे खूबसूरत आबशार देखे जा सकते हैं। इस चश्मे पे पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है। सिर्फ मोटरसाइकिल या पैदल यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। रनीकोट एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ दूर दूर तक किसी चीज़ का निशान नहीं है। पहाड़ों के एक बड़े सिलसिले में इतनी बड़ी दीवार, इतना बड़ा किला क्यों तामीर किया गया, इतना बड़ा किला क्यों बनाया गया? जब हमने एक मकामी बंदे से पूछा तो उसने कुछ यूँ बताया। रनीकोट के बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो ये है, यहाँ पे सेमिनार भी हो चुके हैं, दानेश्वर भी आ चुके हैं, असल में मुख्तलिफ राय हैं। असल में किले से कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई, कोई लोहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कोई सबूत मिले। कुछ लोगों का कहना है कि ईरानी बादशाहों ने बनवाया है। अक्सरियत की राय है कि मीर करम अली तालपुर ने बनवाया है 1752 में। कुछ लोगों का कहना है रोम के बादशाहों ने बनवाया, पर अक्सरियत अब मानती है कि ईरानी बादशाह साइरस आज़म ने 540 क़िबला मसीह में बनवाया। हम कबूल हैं, यहाँ पे हमारे रनीकोट में 40 से 45 घर हैं। पानी के चश्मे पे हमारा गुजारा है। यहाँ पे अर्गून के दौर से आबाद हैं। इस पानी पे हम खेती बाड़ी करते हैं। तकरीबन 50 एकड़ जमीन। यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं वो पूछते हैं, आप लोग यहाँ पे सालों से आबाद हो, आपके अब्बा अजदा ने कुछ बताया होगा रनीकोट के बारे में? हमारे बड़ों ने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि ये किला दिफा के लिए बनाया था ईरानी बादशाह ने। असल में ये एक मिलिट्री कंटोनमेंट है। कुछ भी हो, लेकिन कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यहाँ काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और चल भी रही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे पता लगाया जा सके कि ये क्यों बनाया गया। स्कॉलर हजरात इस बात पे मुत्तफिक है कि ये किला बाहर से आने वाले हमलावरों से बचने के लिए दिफा के तौर पर एक ईरानी बादशाह ने बनवाया था। कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से वक्तन बवक्तन यहाँ पे रेनोवेशन का काम कराया जाता है और रनीकोट इस वक्त महकमा सकाफत का ख़ास ध्यान का मरकज़ है। कुछ ही माह पहले कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से इटली से 3 साल का मुआहदा किया गया, जिसके मुताबिक इटली के माहरीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिल के रनीकोट पे रिसर्च करेंगे। बहरहाल आज भी ये शहर अंगेज किला एक राज है, एक मुअम्मा है। हर आने वाला शख्स इसके शहर में मुब्तला हो जाता है। हम इतना कह सकते हैं कि ये भी दुनिया के बड़े अजूबों में से एक अजूबा है और जिन भी कलाकारों ने इसे बनाया, हैट्स ऑफ टू देम।